So next, today we will talk about the electric field. So what is electric field? What do we understand by the electric field? उसको समझने के लिए हमने बोला कि ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं या ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं कि एक मैग्नेट होता है उसके सराउंडिंग में कहीं पे भी आप कोई भी आयरन नील ऑब्जेक्ट रख दो जैसे आयरन नील हो गया या कोई सा भी इस तरह का कोई सा भी आयरन ऑब्जेक्ट रखोगे सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर एक मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ कहीं पे भी कुछ भी रख दो तो ये हर जगह से एक उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये मैग्नेट क्या करता है अपने चारों तरफ एक इनविजिबल इस तरह की फील्ड जनरेट करता है जहां पर जिस फील्ड के अंदर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर उस पर एक फोर्स लगता है इस मैग्नेट के थ्रू जिसकी वजह से वो उसकी तरफ स्टक हो जाता है या स्टिक हो जाता है। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर किसी चार्ज को किसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए रख दिया जाए लेट सपोज कैपिटल क्यू चार्ज इज देयर तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट कर देता है कि जिसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आओ तो वो दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स would be either attractive or repulsive based on the nature of charge. For example, अगर मैं बोल दूं this is the positive plus charge Q, तो हम क्या बोल रहे हैं ये अपने चारों तरफ एक ऐसा field generate कर देता है जिस field के अंदर अगर आप किसी दूसरे charge को ले आओ तो उस पर एक force लगना start हो जाता है। अगर ये charge भी positive ही मान लूं तो ये charge अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव। अब ये रिपल्सिव क्यों कर रहा है ये ठीक वैसे ही है जैसे ये मैग्नेट है उसके पास में अगर नॉर्थ पोल के पास में एक नॉर्थ पोल लेकर के आओगे आप तो ये नॉर्थ को नॉर्थ से क्या करेगा रिपेल। तो इसने अपने चारों तरफ क्या कर रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर दूसरी मैग्नेट को लेकर के आए तो या तो वो अट्रैक्ट कर सकता था रिपेल कर सकता था बेस्ड ऑन किस टाइप के पोल्स आप ला रहे थे। तो ठीक वैसे क्या वैसे ही चार्ज है तो अपनी चारों तरफ जो इसने फील्ड जनरेट करी इस फील्ड को ही हम बोल रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस रीजन सराउंडिंग ऑफ द सोर्स चार्ज इन विच इफ एनी अनादर टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वुड बी प्लेस देन इट वुड एक्सपीरियंस सम फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी सोर्स चार्ज इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं सोर्स चार्ज। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस वो रीजन है वो स्पेस है सराउंडिंग ऑफ द चार्ज इन विच अनदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। सो किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन वो स्पेस जहां पे किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए या वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे ऐसे इस स्पेस को इस रीजन को जो सोर्स चार्ज के चारों तरफ या चार्ज के चारों तरफ जनरेट हो रहा है इसी को क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द स्ट्रेंथ ड्यू टू विच द सोर्स चार्ज फील विल अट्रैक्ट और रिपेल द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कितना पावर या कितना फोर्स कितना ज्यादा फोर्स या कितना कम फोर्स लगेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वुड बी एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है ठीक वैसे ही जैसे अगर एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं एक सिचुएशन ये है और इसी सिचुएशन के अंदर एक मैग्नेट को इस दूसरी सिचुएशन में इस तरह से रखा तो ऑब्वियस ही बात है चाहे कैसा भी पोल हो या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन। तो अगर थोड़ी देर के रिपल्सिव की बात कर लेते हैं सेम पोल्स तो फर्स्ट सिचुएशन में दूर होने पर लग तो रिपल्सिव फोर्स रहा होगा और इसमें भी रिपल्सिव लगेगा लेकिन
स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी कि इसकी, तो इसकी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने पर क्या हो जाता है, फोर्स अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। अब क्योंकि ये सिर्फ पावर्स की स्ट्रेंथ, ये जो फील्ड है इसके अंदर अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर लेके आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप देख सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस कम हो गई तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? F is equals to K Q1 Q2 upon R square, F is inversely proportional to R square, R कम तो फोर्स ज्यादा, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली हम वापस से एक बार फिर से डिफाइन कर दें, दैट स्पेस और दैट रीजन अराउंड अस चार्ज, या द फील्ड और द स्पेस और द रीजन प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज इन विच इफ एनी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी प्लेस देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स either attraction or repulsive based on the nature of the source charge is called electric field and the intensity or strength by which the it will repel or attract the unit positive test charge is called its electric field intensity represented by capital E vector. So definition ke according agar main bolu, according to definition of इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए ले रहे हैं साहब, बहुत सही बार कंफ्यूज हो जाता है, बार बार वर्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लस रखा है और ये अगर क्यू नॉट यूनिट, यूनिट का मतलब जिसकी वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, वन कूलम, तो अगर मैं वन कूलम टू कूलम थ्री, वन कूलम की जगह टू कूलम थ्री कूलम फोर कूलम ले लूं, यानी इसको ज्यादा बड़ा मान लूं, तो ये खुद भी तो अपना चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगा, तो फिर हम उसकी इंटेंसिटी या फिर हम ये बोलें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जब हम किसी सिंगल सोर्स चार्ज या सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो जो दूसरा चार्ज हम लेकर के आए टेस्टिंग के लिए, ये चार्ज किसके लिए लेकर के आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा चार्ज जो उस किसी गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करे, ठीक है, उसका टेस्ट ले कि हाँ भाई उसकी रेंज कहाँ तक है, कितना पावर है, तो उसके लिए इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो ऐसा होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, और वो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू क्या हो, बहुत 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 छोटी, वेरी नेग्लिजिबल। तो इसलिए इन जनरल वर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव इसलिए बिकॉज द रिपल्शन इज द शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट ऑफ एनी मटीरियल, ठीक है। ठीक वैसे जैसे मैंने ये यहां पर एक मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब एक चीज मैंने यहां रख दी नॉर्थ के पास में, नॉर्थ के पास में ये कोई सी चीज रख दी, मुझे नहीं पता, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रही है तो ये जो चीज मैंने रखी, द ऑब्जेक्ट विच आई प्लेस नियर टू दिस विच इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट शुड बी ए मैग्नेट, बी एनी आयरन ऑब्जेक्ट, सी मे बी बोथ, या इसको बेबी बोथ हटाता हूं, नन, ये तीन ही ऑप्शन दिए। तो अभी अगर इस आंसर को चूज करना होगा तो इस आंसर में आप क्या आंसर दे पाएंगे, या चलो एक और ऑप्शन दे देते हैं, मे बी मैग्नेट और मे बी आयरन, तो आपका आंसर क्या आएगा बोलिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें
ये आयरन भी हो सकता था, मैग्नेट भी हो सकता था, अट्रैक्ट कर रहा है तो, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा मैग्नेट रखा और बोला कि ये रिपेल कर रहा है, कंफर्म हो गया कि ये एक मैग्नेट ही होगा। तो यहां पर रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ठीक इसी तरह से हम जब भी बात करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको शॉर्ट टेस्ट करने के लिए हम कैसा अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग द टर्म यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसी को लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक्सपीरियंस को हटा दूं तो फोर्स कौन यूज, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, किस पर यूज हो रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और पर यूनिट का मतलब हो गया मैथमेटिकली पर कहीं पर भी आ जाए डिवाइड एफ अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो ई की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई साहब एफ अपॉन क्यू नॉट। फिर से क्योंकि यहां पर एक अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि यहां पर क्यू नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों होना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट फील्ड जनरेट न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर शुड नॉट, ई वेक्टर ऑफ प्रोड्यूस बाय क्यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। तो ये डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि क्यू नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। देयरफॉर वी मे रीराइट, हम इसको वापस से कैसे लिखेंगे, क्यू नॉट कभी भी जब कोई सी भी चीज बहुत 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 छोटी हो तो हम एक कंडीशन लगाते हैं जिसको मैथ्स में बोलते हैं लिमिट। तो इसको लिखते हैं एल आई एम क्यू नॉट टेंस टू जीरो, रीड क्या करेंगे लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब क्यू नॉट की वैल्यू बहुत 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 छोटी, इतनी छोटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि क्यू नॉट, क्योंकि वन कूलम भी होगा ना तो भी वो बहुत बड़ा है, तो क्यू नॉट एक्चुअल में इतना 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 छोटा हो कि इसकी प्रेजेंस खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना कर पाए। तो जब भी ऐसी कोई चीज स्मॉल होती है तो हम हमेशा उस चीज के लिए लिमिट और उस चीज को कर देते हैं टेंस टू जीरो और फिर लिखते हैं ये। सो दैट्स हाउ दिस एक्सप्रेशन कम। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल डेफिनेशन। लेकिन ये हम कंडीशनल बात कर रहे हैं इस वजह से जनरल फॉर्मूला बोलेंगे तो बार बार यूज इसको लिया जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्मूला बोलेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला है ये, तो बार बार हर जगह पे लगाते नहीं है क्योंकि एक जगह बोल दिया जाता है हाँ भाई चार्ज फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको भी अगर आप थोड़ा सा बीच में गायब कर दो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन एक्चुअल में क्या बोल देंगे, इन जनरल फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल चार्ज। इसका मतलब अगर क्यू नॉट चार्ज एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका मतलब सिंपली हमने बोला अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो हमने बोला प्लस वन कूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो था एफ, इसी को हमने बोला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। वन कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करे, ये पूरा लिख देता हूं ताकि आपको फिर से क्लियर हो, और ये कैसे बना दूसरी तरीके से फिर समझा रहा हूं, वन ऑफ द वे जो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन के बेस पे लिखा, अब लॉजिक क्या होता है, मैथ्स क्या कहती है वो देखो। सिंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको लिख सकते हैं सिंस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस वन कूलम चार्ज experiences the force is called electric field
तो वन कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने पूछा कहीं पर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज वॉज एक्सपीरियंसिंग फोर्स इज इक्वल टू लेट सपोज 50 न्यूटन। क्या बोला मैंने, 10 कूलम चार्ज वॉज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स 50 न्यूटन, देन देयरफॉर 1 कूलम चार्ज शुड एक्सपीरियंस द फोर्स हाउ मच, 10 में इतना तो 1 में कितना, यूनिटरी मेथड, 50 अपॉन 10 5। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको तो हमने डिफाइन क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी तो 1 कूलम चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही आया, तो यही चीज इसकी क्या हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल गई, 5 अपॉन 10 5। अभी यूनिट आगे देख लेते हैं, पहले अभी केवल मेथड समझे। तो ये तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू से किया। अगर मैं इन जनरल बोलता कि भाई q कूलम चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इज इक्वल्स टू f, देन 1 कूलम चार्ज will experience the force how much, q कूलम, अगर f force experience कर रहा होगा तो 1 कूलम कितना force experience करेगा, बोलो f by q। और 1 कूलम charge जो force experience करता है f by q आ जाएगा ना, q f को कर रहा है तो 1 कितने न्यूटन पर कूलम। हाँ तो f upon q आ गया ना यार, q कूलम चार्ज अगर f न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे तो 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, f अपॉन q। और 1 कूलम चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड e की डेफिनेशन आ गई क्या हमारे पास, e इज इक्वल्स टू f अपॉन q, यानी कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टोटल चार्ज। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, E is equals to F upon Q। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले जल्दी से बता दो कितने को समझ में आ गया, यूनिट वैसे आप लोगों को अब समझ में आई गई होगी, न्यूटन पर कूलम। तो E की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर इसका दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहे तो सेंस हियर, अगर ये दो चार्ज ले लें एक Q और ये Q नॉट, ये इस सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज कौन, जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस R दे रखी हो तो कूलम्स के अकॉर्डिंग इफ देर आर टू चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस स्मॉल r एंड लेट अस अज्यूम बोथ आर पॉइंट चार्जेस, देन द अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ the force between them should be k q q naught upon r square। ये value इसके अंदर substitute कर दूं, ये तो main formula हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, e is equals to limit और r cap, अगर हम यहाँ पे vector form में लिख रहे हैं तो r cap भी लगाना पड़ेगा। r cap क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों को positive मान ही रखा है तो इससे repulsive force बाहर की तरफ, limit q naught tends to zero, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K का मतलब 1/4πε0 K Q Q naught upon R square, ये तो ही F की वैल्यू upon Q naught, Q naught से Q naught कैंसिल, तो E का एक्चुअल फॉर्मूला लिमिट Q naught tends to zero K Q by R square। अब मैं लिमिट ओपन कर रहा हूँ, लिमिट ओपन करने का मतलब कि हम Q naught की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो ध्यान से देखा तो Q naught तो ही नहीं है, तो इसका मतलब Q नॉट पर तो यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो E तो किस पर आ गया, E की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, कैपिटल Q पर, होनी भी चाहिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है? क्यू नॉट की कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करनी चाहिए? क्यू पर। और इसकी इंटेंसिटी और किस पर डिपेंड करनी चाहिए? आर स्क्वायर पर। और ये हमें लॉजिक पहले से समझ में आ रहा था कि जितना दूर जाते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि किसी ज्यादा डिस्टेंस पे चार्ज को रखूं और कम डिस्टेंस पे चार्ज को रखूं, तो दोनों सिचुएशन में अगर डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस पे चार्ज को लेकर के आएंगे इससे, तो यहाँ फोर्स ये एक्सपीरियंस ज्यादा करेगा, दूर रखूंगा तो फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। और ये रहा वो मैथमेटिकल रीजन। इसका मतलब अगर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू और उससे आर डिस्टेंस पर आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर? 1/4πε0। एंड आर कैप, आर कैप क्या एफ वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है? या यहां से भी समझ लें, ई का ई वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसकी डायरेक्शन केवल एफ के ऊपर, क्यू नॉट तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से देखो, कहीं से भी देखो, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम एज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम फोर्स। जो डायरेक्शन कुलामिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो यहां पर अगर जैसे मैंने आर कैप लिख दिया था, आर कैप वॉज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, सेम डायरेक्शन विल कम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी हो गई? आर कैप। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ क्लियर हो चुका है क्या आप लोगों को? तो अगर कहीं पे भी कोई चार्ज कैपिटल क्यू हो और उससे किसी आर डिस्टेंस पर कुछ भी चार्ज रखे ना रखे आपसे पूछा जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? डायरेक्ट फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज या वेक्टर वाइज लोगे तो फिर आर कैप, अब वो डिपेंड करेगा नेचर कैसा है, इसलिए मैंने अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई? अच्छा, दूसरा मेन फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला तो बाद में आया है। मेन फॉर्मूला क्या है ई का? ई इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल चार्ज प्लेस्ड एट अ आर डिस्टेंस, एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां से एफ का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। ठीक, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस जगह से देखा जाए तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन, क्यू नॉट की एसआई यूनिट कूलम्ब। इसकी एक और एसआई यूनिट होती है जो अगले चैप्टर में से आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो आपको पता होगी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ किसी को पता है तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है पुराने बच्चों को, वो होती है क्या? वेग, वी इज इक्वल टू ई डी, वेग, वेद प्रकाश शर्मा। ठीक है, वी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वही है जो ओम्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा था, जिसको मेजर करते हैं वोल्टेज में, यानी कि वोल्ट। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डी आपकी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो यहां से ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी अपॉन डी। तो वी की यूनिट एसआई यूनिट वोल्ट, डी की एसआई यूनिट मीटर। तो ये दूसरी यूनिट आगे देखो आपके पास वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की देयर आर टू यूनिट्स, ईदर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो आई गेस अब तो आप इजीली निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ये रहा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस टू, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ए वन टी वन, ये ऊपर गया तो एम वन एल वन एल वन टी माइनस थ्री ए वन ए माइनस वन माइनस वन। So this is the dimensional formula of E. भाई बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है,
किस किस का, ई का, इवन एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। हाँ भाई, कितनों को